हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है यूकेरियोटिक सेल्स में। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए, तो आरएनए को कितने टाइप के बन सकते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये डिफरेंट टाइप के आरएनए बन सकते हैं, बट प्रोटीन बनने की प्रोसेस सिर्फ एमआरएनए से, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन बनती है, इन दोनों से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अपन देखते हैं कैसे डबल स्ट्रैंडेड ट्रांसक्रिप्शन की एक डेफिनेशन और क्या हो सकती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो देखते हैं अपन कैसे होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए का एमआरएनए या टीआरएनए, आरएनए कोई सा भी हो, इसका सिंथेसिस क्यों नहीं होता। तो देखते हैं अपन कैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज। तो जब इसमें ए टी सी जी टी ए जी सी ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, तो अपन देखते हैं कैसे जब डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो इनसे प्रोटीन एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। तो एमआरएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, तो इसकी पोलरिटी क्या होती है, 5 डेज से 3 डायरेक्शन की इसकी पोलरिटी होती है। तो इसमें जो टेम्पलेट एक डबल स्टैंड है, तो इसमें जो स्टैंड कोडिंग होगा, एक स्टैंड कोडिंग होगा जो सेम आरआरएनए के समान होगा, तो उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को लेके आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो देखते हैं ये टेम्पलेट है 3 डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन्स की ओर, तो इससे क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा। आरएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा, ये 5 3 है तो इस यहाँ पे 5 डायरेक्शन से होगा। तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या आता है, यूरेसिल, ये सॉरी ए आएगा, एक यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल और सी और जी, ये सीक्वेंस होगी इसमें 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में। अब अपन देखते हैं कि यह है इस स्टैंड से, ये यहाँ से होगी इसकी सिंथेसिस आरएनए की, तो इसका डायरेक्शन देखते हैं अपन, जी सी जी टी ए की यू। तो ये इस प्रकार 2 आरएनए बन गए। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये डाईहाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब वापस डीएनए का सिंथेसिस कर लेंगे। तो इससे आरआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, तो इस प्रकार इसमें आरआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो एक रीजन तो ये है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का ही होता है, एक स्ट्रैंड से ही आरएनए की सिंथेसिस होती है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती। एक रीजन और अपन देखते हैं कैसे सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो इनसे मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक साथ बाइंड नहीं भी हो, अलग अलग हो, तो ये क्या होगी, 2 प्रोटीन्स का, ये तो सेम प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी ना, मतलब सेम नहीं सॉरी, अलग अलग आरएनए बन गए, तो इसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो डिफरेंट होगी। तो एक ही डीएनए से डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, तो ये भी कारण है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से ही आरएनए का सिंथेसिस होता है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन देखते हैं आगे प्रोसेस।
प्रोसेस देखने से पहले अपन देख लेते हैं इसकी ये प्रमोटर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है तो इसमें वो सेगमेंट जो जीन होता है जिसका एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसके डाउन स्ट्रीम होती है टर्मिनेटर रेजिन और इसके अप स्ट्रीम में होती है प्रमोटर। तो इस प्रकार ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन होती है जिससे टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। इसे अपन प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं तो ये इसमें ये मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉरी प्रोकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक नहीं होती, पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है। यूकैरियोटिक में होती है मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनो पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है, एक प्रमोटर होते हैं और बहुत सारे जीन्स जिनसे प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं, मतलब अपना यहाँ समझते हैं ये जीन सेगमेंट है जिसका से एमआरएनए आरएनए का सिंथेसिस होना, तो ये प्रमोटर है। तो सिस्ट्रोन किसको बोलते हैं, वो उस डीएनए सेगमेंट को बोलते हैं जिससे एमआरएनए या आरएनए टीआरएनए की सिंथेसिस होनी है। तो इसमें ये जीन्स क्या हो गए, आरआरएनए की जीन्स के सिंथेसिस, फिर टीआरएनए की जीन की सिंथेसिस और एमआरएनए के जीन की सिंथेसिस। तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या था, वो साइड जहाँ जिससे जिस जीन की सिंथेसिस होनी है उस सेगमेंट को बोलते हैं सिस्ट्रोनिक। लेकिन इसमें एमआरएनए के जीन्स, टीआरएनए के जीन्स और एमआरएनए के जीन्स, तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक हो गया, मतलब बहुत सारे जीन्स की सिंथेसिस होगी जिससे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रकार ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। यूकैरियोटिक में ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। तो अपन देखते हैं ये पॉलीसिस्ट्रोनिक तो आगे किस किस स्ट्रक्चर जैसे कैसे ये काम करता है। तो इसमें डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज में लिया जाता है, इसमें लिया जाता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये डीएनए से आरएनए बनाता है तो ये डीएनए पे डिपेंडेंट है, तो इसको वो क्या होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पे डिपेंडेंट प्रोसेस होती है तो इसको बोलते हैं, ये आरएनए को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कैसे काम करता है, जैसे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए तो इससे मान लेते हैं कि ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसे रिकॉग्नाइज करे कि यही प्रमोटर साइड है, ये स्ट्रक्चरल है और टर्मिनेटर है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिग्मा फैक्टर की। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर पे आके बाइंड होता है पहले, ये सिग्मा फैक्टर जो प्रमोटर पे आके बाइंड होता है और डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, फिर आके आरएनए पॉलीमरेज आगे क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज आके एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके इसकी सिंथेसिस करता है एंड सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। ये जैसे जैसे ये आगे फिर इसकी सिंथेसिस होती रहती है, ये आगे ग्रो करता रहता है, ये तो इलोंगेशन फेज हो गई। या अब टर्मिनेशन फेज क्या होती है, द
जैसे जैसे ये ग्रो करता रहता है तो ग्रो फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। तो ये ग्रो फैक्टर जब इसको यहाँ इस साइड पे आता है तो फिर आगे आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करता और ये रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार एमआरएनए की एमआरएनए या आरएनए टीआरएनए की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रकार ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएटर फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर इसका टर्मिनेटर फैक्टर होता है। तो इस प्रकार ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल। थैंक यू।